सन 2022, 15 अगस्त। इस बार हम पूरा कर रहे हैं आजादी के 75 साल। आजादी के इस अमृत महोत्सव के पर्व पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आजादी कैसे मिली, कौन कौन थे इसके पीछे, ये तो हम इतिहास की किताबों से पढ़ सकते हैं। और आगे आने वाले वक्त में हम क्या क्या पाना चाहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। आइए इस कविता को सुनते हैं और ध्यान से सुनिए और भारत के कुछ पहलुओं को समझते हैं। इस धरा पर जन्मी थी तब एक सोच, जब गुलामी का साया हर पल था बोझ। वो हवा ही थी, वो एक दिव्य प्रकाश, जो अंधियारे में भी उज्जवल करे आकाश। एकता से उठी आवाज, पंछियों ने ली परवाज, अब रुकेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं, अब रुकेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं। जहां तिरंगा हो बुलंद, सैनिक हो फौलादी, जहां तिरंगा हो बुलंद, सैनिक हो फौलादी, वहां सिर्फ 75 नहीं, अनंत है आजादी, अनंत है आजादी। जो रग में बहे हमारी संस्कृति का खून, जो रग में बहे हमारी संस्कृति का खून, हृदय में पले उपनिषद और वेदों का सुकून। जहां धरती है माँ, गौ भी माँ और माता भी माँ, धन्य है भारत जहां शिष्टाचार है रग रग में रमा। हिमालय वो जहां ऋषियों से निकली तप, सागर से मिले अनगिनत मोतियों की तड़प, कि जूझ कर तप कर सीख कर बने हम भारतीय। यहां जुनून जोश और वीरों की कहानी है अद्वितीय। जहां कोशिश हो बुलंद, सपने हो फौलादी, जहां कोशिश हो बुलंद, सपने हो फौलादी, वहां सिर्फ 75 नहीं, अनंत है आजादी, अनंत है आजादी। अब थी विज्ञान के पांव पसारने की बारी, चांद मंगल और मिसाइल्स पर फतेह की थी तैयारी। विश्वास था अटूट, मन में अदम्य संकल्प, लेकर आगे बढ़ने के अलावा नहीं था विकल्प। जज्बा जो बन तूफान, उड़ाई कई देशों की नींद, महाशक्ति की स्पर्धा में कई बने हमारे मुरीद। इसलिए जहां तैयारी हो बुलंद, प्रयोग हो फौलादी, जहां तैयारी हो बुलंद, प्रयोग हो फौलादी, वहां सिर्फ 75 नहीं, अनंत है आजादी, अनंत है आजादी।